Hi guys, welcome back to our channel Rinky Tutorial. This is me, your Rinky, and welcome to another exciting video. तो guys, आज मैं आप लोगों के साथ ये beautiful सा smoky eye makeup look create करने वाली हूँ. ये बहुत ही simple step से मैंने इसे achieve किया है. आप एक दो मिनट के अंदर ही smoky eye को create कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं. वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब. सब्सक्राइब के बगल में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए ना आप मेरी वीडियोस को वॉच कर सकें. तो मेकअप से पहले मैंने अपने स्किन को प्रेप कर लिया है एंड मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र के लिए अप्लाई किया है पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल. उसके बाद नेक्स्ट मैं अपने आईब्रो को फिल इन करूँगी. तो जब भी आप मेकअप करो ना आईब्रो को बहुत अच्छे से आपको फिल इन करना है. अगर आपको आईब्रो फिल इन करना नहीं आता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो कि किस तरीके से आपको आईब्रो को बनाना है. ठीक है, तो मैंने यहां पे अपने आईब्रो को फिल इन कर लिया है. उसके बाद मैं यहां पे अप्लाई करूंगी प्राइमर. तो मैंने यहां पे हिलारी रोडा का प्राइमर लिया है. ये बहुत ही लाइट वेट प्राइमर है और आपके पोर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मिनिमाइज कर देता है. ये एक सिलिकॉन बेस प्राइमर है. तो अगर आप कोई भी स्किन टाइप के हो तो ये ऑल स्किन टाइप पे सूट करने वाला है, तो आप इसे परचेस कर सकते हो. सारे प्रोडक्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप चाहो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो. उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन. ये फुल कवरेज फाउंडेशन है तो कोई भी कलर करेक्शन की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप इस फाउंडेशन को अप्लाई करते हो तो. तो ये बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको फुल कवरेज प्रोवाइड करता है. तो मैं तो डेफिनेटली आप लोगों को कहूँगी कि एक बार आप ज़रूर इस फाउंडेशन को ट्राई करके देखो. तो मैंने यहाँ पे कौन सा शेड अप्लाई किया है मुझे शेड अभी याद नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा. ठीक है, उसके बाद मैं इसे डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जिससे कि आप देख सक रहे हो. उसके बाद मैं अपने हाईएस्ट पॉइंट को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी. मैंने हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे मेबलिन का कंसीलर लिया है आई थिंक इन द शेड 25. तो पूरे फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लेना है जहाँ जहाँ पे आपको अपने फेस को एकदम पॉप आउट दिखाना है. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी एंड उसे मैंने ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिक्विड कॉन्टोर यूज़ किया है, ये है वेट एंड वाइल्ड का कॉन्टोर. बहुत ही अच्छा ये एक कॉन्टोर है. तो जॉ लाइन पे, चिन पे, नोज़ पे, फोरहेड पे मैं अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लूँगी जिससे कि फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद आपका फेस जो है फ्लैट हो जाता है. उसे एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए कॉन्टोरिंग कर लेते हैं हम. तो उसे मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर ले रही हूँ. और जब भी आप क्रीम कॉन्टोर यूज़ करो तो आपको पाउडर कॉन्टोर से उसे सेट करना बहुत ज़रूरी है. तो मैं यहाँ पे सेट कर लूँगी. नेक्स्ट मैं अपने पूरे फेस को सेट कर लूँगी लूज पाउडर से. मैंने यहाँ पे मेबलिन का लूज पाउडर लिया है और उसे अच्छे से पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे स्किप कर सकते हो, नहीं तो आपके फेस पे क्रैक्स आ जाएंगे. तो यहाँ पे मैंने ये पाउडर कॉन्टोर लिया है और उसे अच्छे से सेट कर ले रही हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो कॉन्टोरिंग ब्रश की हेल्प से. नेक्स्ट मैं सेम पैलेट में से ये वाला ब्लश ले रही हूँ और अच्छे से ब्लश को अप्लाई कर लूँगी. उसके बाद मैं करूँगी अब आई मेकअप. बहुत ही क्विकली आई मेकअप करना है तो मैंने यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है आप देख सकते हो. एंड अंडर आई के नीचे मैं थोड़ा सा बेकिंग करूँगी जिससे कि अगर कोई भी फॉल आउट हो तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए. ठीक है, तो बेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद मैंने यहाँ पे जेल आईलाइनर लिया है, ये एडीएस का जेल आईलाइनर है. बहुत ही अच्छा एंड पिगमेंटेड है ये आईलाइनर. तो मैं एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से पहले उसे अप्लाई करूँगी जैसे कि आप देख पा रहे हो. मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी और उसके बाद एक ब्रश की हेल्प से मैं उसे ब्लेंड करूँगी. आप जब भी जेल आईलाइनर के साथ वर्क करो ना तो आपको क्या करना है, पहले थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है उसके बाद उसे साथ ही साथ ब्लेंड करते जाना है क्योंकि जेल आईलाइनर जो है ना वो बहुत जल्दी ही सूख जाता है. तो इसलिए आपको उसे तुरंत ही ब्लेंड करना है जैसे कि कर रही हूँ. एंड आप देख पा रहे हो कि ये सूख जा रहा है तो कितना डिफ़िकल्ट होता है ब्लेंड करने में. तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा थोड़ा अप्लाई करो एंड देन उसे ब्लेंड करो. ठीक है, तो उसी जेल आईलाइनर के अंदर ही आपको एक ब्लैक पाउडर दिया जाता है जिससे कि आप आईब्रो को फिल इन करते हो. तो मैं उसी से अपने बेस को सेट कर लूँगी.
तो जब भी आप स्मोकी लुक क्रिएट करते हैं तो आपको उसे सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं उसे सेट कर ले रही हूँ सेम ब्रश की हेल्प से, आप देख पा रहे हो। उससे क्या है ना कि आपका जो बेस है वो बहुत ही अच्छी तरीके से स्टिक हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से बेस को सेट कर लिया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का शेडो पैलेट लिया है और उसमें से ये वाला कलर पिक करके अपने क्रीज के ऊपर अप्लाई करूँगी और दोनों कलर को अच्छे से मैं ब्लेंड कर लूँगी, जिससे कि जो मेरा स्मोकी आई है ना वो बहुत ही उभर कर आए एंड काफ़ी डीप लगे। तो मैं इसलिए बहुत अच्छी तरीके से इसे डीप करते जाऊँगी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ स्मोकी आई लुक क्रिएट करके शेयर कर रही हूँ, उसमें मैंने बहुत ही अपने आईज को पॉप आउट दिखाया, आप देख पा रहे हो। काफ़ी ब्यूटीफुल सा ये स्मोकी लुक लग रहा है। नेक्स्ट मैंने मेबेलिन का काजल लिया है और उसे लो वाटर लाइन पे अप्लाई कर ले रही हूँ, आप देख सकते हो। एंड फॉल्सेस मैंने ऑफ कैमरा ही अप्लाई कर लिया है। अब मैं लोअर लैश लाइन को अच्छे से स्मज कर लूँगी ताकि बहुत एक स्मोकी इफेक्ट उभर कर आए। तो आपको प्रिसाइजली ब्लेंड करना है, धीरे धीरे एकदम करना है, ठीक है, ताकि आपके आइस को कोई हार्म ना हो। तो बहुत ही हल्के हाथों से आपको ब्लेंड करना है। एंड सेम कलर को मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी, जिससे कि काफ़ी ब्यूटीफुल सा स्मोकी इफेक्ट क्रिएट हुआ। एंड लुक एट माय आइज गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है मेरा स्मोकी लुक। तो उसके बाद मैंने हाइलाइटर के लिए ये वाला पैलेट लिया एंड आई एम सॉरी मुझे पैलेट का नाम याद नहीं है, तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे न्यूड कलर का लिपस्टिक अप्लाई किया है, ये इनसाइड का न्यूड लिपस्टिक है एंड ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये लिपस्टिक है। जल्द ही मैं इसका एक रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक, आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा एंड वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अगर मेकअप करना चाहते हों तो इस वीडियो के थ्रू कुछ सीख सके। मिलती है अगले वीडियो में, बाय बाय।